बात करते हैं नागरिकता संशोधन एक्ट के खिलाफ राजघाट पर कांग्रेस ने सत्याग्रह किया। सत्याग्रह में कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्षा सोनिया गांधी, पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, महासचिव प्रियंका गांधी, पूर्व पीएम मनमोहन सिंह, वरिष्ठ नेता अहमद पटेल, गुलाम नबी आजाद, आनंद शर्मा, मल्लिकार्जुन खड़गे, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, मध्य प्रदेश के सीएम कमलनाथ समेत कई दिग्गज नेता मौजूद रहे। इस दौरान राजघाट पर सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और मनमोहन सिंह ने संविधान की प्रस्तावना को भी पढ़ा और केंद्र सरकार को संविधान की प्रस्तावना याद दिलाई। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने केंद्र सरकार पर निशाना भी साधा और कहा कि इस वक्त देश का लोकतंत्र खतरे में है, केंद्र सरकार आरएसएस के एजेंडे पर काम कर रही है, देश को तोड़ने का काम किया जा रहा है। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सॉलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू ए सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स citizens justice, social, economic and political liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all. The people of India having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual. लोकतांत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। वहीं राजघाट पर